दोस्तों साल 1995 में आई फिल्म रंगीला भी उन्हीं मूवीज में से एक है जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इस फिल्म के मुख्य अभिनेत्री के तौर पर मिली का किरदार अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर निभाती हुई दिखाई दी थी। अपने इसी किरदार से दर्शकों की फेवरेट भी बन गई थी और इसी के चलते आज किसी पहचान की और इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि जहाँ ये ऑन स्क्रीन सभी लोगों से हंस मिलकर बात करती थी, वहीं ऑफ स्क्रीन पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ सितारों से बेहद ही ज्यादा नफरत करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ सितारों से बेहद ही ज्यादा नफरत करती है। तो आखिरकार क्यों उर्मिला मातोंडकर उन सितारों से नफरत करती हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मिल लेते हैं उन सितारों से जिनसे उर्मिला मातोंडकर बेइंतहा नफरत करती है। नंबर एक, रीमा लागू। इस लिस्ट की पहली कड़ी में और नंबर वन पर अभिनेत्री रीमा लागू का नाम शुमार किया जाता है, जो अपनी ज्यादातर मूवीज और सीरियल्स में एक माँ का किरदार निभाकर काफी ज्यादा मशहूर हुई। आपको बता तो चले कि इनसे अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर बेहद ही ज्यादा नफरत करती है, जिसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में एक बार भी उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका नहीं दिया और एक बार मौका मिला भी था तो रीमा लागू ने उर्मिला मातोंडकर के साथ अभिनय करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसी वजह से उर्मिला मातोंडकर रीमा लागू से नफरत करती है। नंबर दो, जैकी श्रॉफ। प्यार से बीड़ू बोलने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ के तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, वो भी अच्छी तरीके से, जो कि अपनी फिल्मों में यूनिक किरदार के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं और इनसे भी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर बेहद ही ज्यादा नफरत करती हैं, जिसकी वजह यही है कि जब ये दोनों हे रामा सॉन्ग पर डांस कर रहे थे तब जैकी श्रॉफ के डांस को लोगों ने काफी पसंद किया था और उर्मिला मातोंडकर के डांस को कम पसंद किया, जिसके चलते उर्मिला मातोंडकर जैकी श्रॉफ से बेइंतहा नफरत कर बैठी। नंबर तीन, गुलशन ग्रोवर। जी हाँ, गुलशन ग्रोवर भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक है से उर्मिला मातोंडकर बेहद ही ज्यादा नफरत करती हैं। इनसे नफरत करने की वजह ये बताई जाती है कि गुलशन ग्रोवर का बिहेवियर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और इनके इसी बिहेवियर को देखकर उर्मिला मातोंडकर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए उर्मिला मातोंडकर भी नफरत करती हैं गुलशन ग्रोवर से। नंबर चार, आमिर खान। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अभिनेता आमिर खान का नाम शुमार है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनसे भी उर्मिला मातोंडकर बेइंतहा नफरत करती हैं। आपको बता दें कि इनसे नफरत करने की वजह यह है कि आमिर खान ने उनके साथ रंगीला फिल्म के बाद किसी भी और मूवी में काम नहीं किया है और इसी वजह से उर्मिला मातोंडकर आमिर खान से नफरत करती हैं। तो दोस्तों क्या आप भी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर की तरह ही किसी से नफरत करते हैं? अगर हाँ तो हमें उसका रीजन भी जरूर शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोज को देखना चाहते हैं और आगे तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।